الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام معزز مہمان آنے گرامی بالخصوص چیف گیسٹ جناب مبشر لقمان سر اور تمام معزز ساتھی حضرات آج کی تقریب حق برداری میں میں مائک حسن رضا آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں وقت کی قدر اور آپ سب کے قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریب کو جتنا ہو سکا شارٹ رکھتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ اس تقریب کو مکمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے تقریب کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا قاری غلام عباس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم آپ کے ہوتے ہوئے حال دل
सुनाए आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना बस इसी जो खट पे अपना जीना अपना मरना बस इसी जो खट पे हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए मैं गुनाहे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए ये थे अता मुस्तफ़ा जो बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश कर रहे थे। इसी तरह मेहमानी हसूसी शहजादा सैयद खुर्रम शाह साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनको देखिए अता गराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले मैं चेयरमैन सियालकोट प्रोफेशनल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन जनाब खुर्रम मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और पासनामा पेश करें। जनाब खुर्रम मीर साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है बड़ा। मैं आज के इस तकरीब खाला बरदारी में अपने इंतहाई काबिल एहतराम जनाब एंकर पर्सन सीनियर तरीन एंकर पर्सन और जनाब सीईओ जिसको उर्दू में चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं बागी टीवी इनका दाश करता है उनके आनर जनाब बशर कुमार को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ क्योंकि ये वो हस्ती हैं जिनसे समझे कि टाइम लेना इंतहाई दुश्वार था और हमारे लिए एक समझे कि संगे मिलता हमें ये था हमने ये भी कह दिया था कि अगर एक साल भी लगेगा ना हम आपसे टाइम लेकर इसको प्रोग्राम करवाएंगे तो उनकी मेहरबानी है उन्होंने हमें बेशक थोड़ा टाइम दिया बस दिया टाइम पूरा सर हम आपका दिल के शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा हम आपको अपने इस ग्रुप के बारे में थोड़ा गाइड कर दूं ये ग्रुप तकरीबन 8 साल पहले हमने बड़ी तबोदेव जिसमें जनाब शाहरियाज साहब और सलमान भट्ट साहब की अनसंग मेहनत है जिन्होंने इस प्रोग्राम मेरे साथ मिल के इस मीडिया को एसोसिएशन को बनाया और इसको बाकायदा ऊपर लेके जा रहे हैं और ये हमारा पहला छोटे प्रोग्राम होते रहे हैं ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने इंटरनेशनल लेवल के एक ऐसे सुपरस्टार को बुलाया है। सुपरस्टार जरूरी नहीं कि वो हीरो होते हैं जो गाने बजाने वाले सुपरस्टार होते हैं जिनका पूरी दुनिया में एक नाम होता है हमारे लिए ये सुपरस्टार हैं हमारा इनके समझे के दिल से आने पर भी और अपने सियाह को मीठे की तरह से इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त की कमी है जिसकी वजह से मैं मजीद बात नहीं कर सकता क्योंकि शॉर्ट टाइम उन्होंने वापस इतने चेयरमैन रामपुर रणवीर साहब मैं गुजारिश करूंगा शाहिद रियाज साहब से कि वो तशरीफ लाएं। शाहिद रियाज साहब बागी टीवी की तरफ से सियालकोट में उनकी नुमाइंदगी करते हैं ये आपसे कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे इंतहाई काबिल दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मैं दिल की तह गहराइयों पे अपने बॉस जनाब सीओ साहब और बाकी की पूरी टीम का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने टीम के वक्त में चढ़ने वक्त दिया और ये सारे तरीके मैं इनके सम्मान करूँगा। तो हमारी छोटी सी तंजीम के लिए इतने बड़े लोगों का आना ये हमारे लिए बायस मुसरत है और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला ये आपके
खाना पीना करेंगे और आपसे सीखेंगे। पहले भी हम आपसे सीखते रहे तो आइंदा भी सीखते रहेंगे। मैं मोहित कुमार साहब का एक हाई स्कूल और बाकी टीम का बेहद खान स्कूल हूँ कि जिन्होंने अपना टीम पे टाइम कर हमें मौका दिया खेलने का। तो मैं ये बातें खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि अभी शाहिद रियाज साहब ने बताया कि जैसे वो बागी टीम का हिस्सा हैं, मैं शाहिद साहब आपकी उम्र बात से माजरत के साथ इख्तलाफ करूँगा। मेरे तमाम मेम्बरान भी मेरे कामयाब मौजूद हैं। तंजीम कोई छोटी या बड़ी सर नहीं होती। अलबत्ता जिस मकसद को लेके अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाफ़ी हज़रात हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो एक बड़ा मकसद है, हक सच को बयान करना और हक सच को आवाम के सामने पेश करना लायक हो के ये बहुत बड़ा काम है। मैं ये जानता हूँ कि आपने जो वर्ड्स कहे ये वर्ड्स आपने वेट के हिसाब से इंटरनेशनल तंजीमों को देखते हुए ये बात की, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कहना ज़रूरी समझा मैंने कि जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर जनाब मुबशर कुमार साहब की भी तवज्जो चाहूँगा कि सर आप भी जिस तरह से आवाम की फलाह व बहबूद के साथ साथ मुल्क के मफादात के लिए बात करते हैं, इस तंजीम का भी एक मोटो यही है कि ना सिर्फ कि हम लोग उन खबरों को पेश करें कि जो आवाम के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि आवाम के सामने वो तमाम हकायक भी रखें जो मुल्क व कौम के लिए ज़रूरी हैं। अभी इंशाल्लाह ताला तंजीम के अहदेदारों की हलफ बरदारी होगी। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुबशर रहमान साहब से, जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन, हमारा एक मशहूर प्रोग्राम खरा सच, और अब अपने उसी प्रोग्राम की तरह एक नए नाम से यानी बागी टीवी के नाम से आने वाले चैनल के सीईओ जनाब मुबशर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और तंजीम के अहदेदारों से हलफ लें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, मैं चीफ गेस्ट सियालकोट प्रोफेशनल मीडिया ग्रुप अहद करता हूँ कि इस तंजीम में रहते हुए अपने सहाफ़ती फ़राइज़ ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम देते हुए आवाम की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोशिश रहूँगा अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। बट साहब मीर साहब आप तमाम मेहमान का शुक्रिया। मैं एक बात सोच रहा था यहाँ आते हुए जो मेरी टीम वालों को भी शायद नहीं पता, जब हमने ये रेड फॉर टर्न लिया है या मुड़ने के लिए इस यॉर्कशायर हॉल की तरफ, तो सामने कैंटोनमेंट है और उस कैंटोनमेंट में सी एम एच है। तो मेरी अपनी पैदाइश जो है एक्चुअली वो सियालकोट सी एम एच की, तो यार मैं तो अपने शहर आया हूँ उसका। अब वो ठीक है, इतने अरसे से हम लाहौर में हैं, वहाँ पे आबाद हैं, तो आम आदमी को इस बात का नहीं पता। मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ सहाफ़ती तंजीमों के पास जाते, खास तौर पे प्रेस क्लब वगैरह बहुत कम है, क्योंकि और मैं ये आपको हैरानी होगी जो मैं बात करने लगा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये आज़ादी सहाफत वगैरह कोई चीज़ नहीं, ना लोगों को इसका पता है। मैं कहता हूँ सहाफत की आज़ादी को गोली मार के सहाफ़ी को आज़ाद कर दें, कम अज़ कम फिक्र मुआशरे
कोई सहाफी मैंने इस मुल्क में नहीं देखा जो काम करने वाला है और जो खुशहाल हो, जिसको ये परेशानी ना हो कि मैं बच्चों की फीस कैसे दूंगा, मैं बिजली का बिल कैसे दूंगा, मैं अपना किराया कैसे दूंगा, मैंने मोटरसाइकिल का पेट्रोल कैसे डालना है, ये गाड़ी में कैसे मैंने उसको चलाना है। सहाफी हर एक के हक के लिए बात कर सकता है और अपने हक के लिए बात नहीं करता। पता नहीं उसको हमने ये एहसास दिलाया कि ये अच्छी बात नहीं है या कोई और वजह है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सहाफी अपने हक के लिए बात नहीं कर सकता, वो उसको किसी और के हक के लिए बात करने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। सहाफियों को तनख्वाह तो मिलती नहीं है, जिनको देते हैं नाम निहाल तनख्वाह वो 6-6 महीने के बाद मिलती है, चाहे वो बड़े बड़े चैनल्स हो, चाहे बड़े बड़े अखबार हो। और सारे हम लोग सबको जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सारे जानते हैं, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। 25-25 साल काम करने के बाद बड़े आराम से एक दिन लोगों को कह देते हैं हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, अखबार का काम अब अच्छा नहीं चल रहा, पूरे पूरे ब्यूरो बंद हो जाते हैं, पूरे पूरे दफ्तर बंद हो जाते हैं। और 20-20 साल काम करने के बाद भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान के बड़े इदारों की बात कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया में, मैं चले आए नाम नहीं मैं लेता क्योंकि जहां मैं नाम लूंगा वो उस तंजीम के ऊपर वजन पड़ जाता है। 20,000, 18,000, 15,000 ये तनख्वाहें, और ये भी आसान करके दे रहे हमारे घरों में हेल्पर की, कुक की, ड्राइवर की तनख्वाहें से ज्यादा। तो ये सहाफी की कदर की बात और ये सहाफी का मकाम। हमें अपना मकाम उसकी जस्तजू करनी पड़ेगी। सारों सबसे पहले हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सहाफत की होती रहेगी रिस्पेक्ट, जिसने करनी है करे, जिसने नहीं करनी ना करे, लेकिन सहाफी की इज्जत हो। और उसकी वजह इज्जत एक ही तरफ से हो सकती है कि हर आदमी जरूरी नहीं कि खुशहाल हो, लेकिन उसको किसी के आगे कभी हाथ मिलाने की जरूरत ना पड़े अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए। हर आदमी को करोड़ रुपया महीने का नहीं चाहिए, हर आदमी को 50 लाख रुपया तनख्वाह नहीं चाहिए, लेकिन इतनी चाहिए कि वो अपने घर में खर्चा जो है बगैर पूछे पहली दाली को दे सके। और अगर उसने पहली को भी किसी और से मार के देना है या उसकी बीवी ने कमेटी डाल के देना है तो सहाफी का तो ज्यादा निकल गया। मैं आपको बताता हूँ अपने दोस्त का नाम, कुलीग का नाम आप लोग जानते होंगे, फसी को। फसी ने कितने साल न्यूज में काम किया, जियो में काम किया और चैनल्स में काम किया, एंड में बेचारे को डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, क्योंकि खुददार आदमी था, वसदार इंसान था, नहीं हाथ फैलाता था लोगों के आगे, न काम के लिए न काम लेने के लिए, उसी टेंशन में वो फौत हो गया वक्त में, कितनी पहले चला गया हमें छोड़ कर। और ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ सहाफियों का भी कसूर है आपका। जैसे मैं भी पता तो था, डायरेक्टर भी मैंने रीचेक करने के लिए पूछा कि मुल्तान प्रेस क्लब का क्या है, 7 साल से बंद है। 7 साल से क्यों बंद है, क्योंकि दो मुखालिफ ग्रुप्स की आपस में लड़ाई है, वो अदालतों के अंदर है, हाईकोर्ट तक बात पहुंची भी है। तो सहाफी है जो लड़ रहा है, अक्सर तो प्रेस क्लब में ये भी है खुशी की बात है तो सहाफी मिल जाए। मैं तो जब भी किसी प्रेस क्लब में जाता हूँ वो सहाफी काम होते हैं, दूसरे लोग और होते हैं, हर किस्म के लोग मिल जाते हैं वहां पे, और मेंबरशिप भी होती है उनके पास, लाइफ मेंबर भी होते हैं, वोट भी देते होते हैं। लेकिन ये इन सहाफियों का या ऐसी सहाफत का क्या फायदा कि आपका एक दफ्तर आपके घर आपने झगड़े में उसको बंद करा के रखती है, आप अपना दफ्तर बुलवा नहीं सकते, किसी और को उसका हक क्या दिलवाएंगे, ये औकात है आपकी। ये है सत्य पूरे सियालकोट के साथियों की, अपना प्रेस क्लब 7 साल से बंद करा के बैठे हैं और खुलवा नहीं सकते। सिर्फ उनको ये करना है कि दोनों ग्रुप आपस में मिले, मुझे पता नहीं है कौन सही है कौन गलत है, दोनों सही होंगे दोनों गलत होंगे,
कि एक दूसरे के हाथ में लाए, उसको गले में हार कर लें, कह अपने झगड़े हम अपने दफ्तर के अंदर खत्म कर लेते हैं, अदालतों में हमने अपना मजाक नहीं उड़वाना, और केस खत्म करें, दूसरे पे खुलवाएं अपने दफ्तर और वहां पर उसको इज्जत के साथ चलाएं, फिर जब साथियों के बैठने के लिए जगह हो। आप पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में भी अगर आप मुझे बुलाएंगे तो उससे ज्यादा खुशी यह है कि प्रेस क्लब में या प्रेस वालों की जो अपनी जगह वहां पर आप मुझे बुलाएं तो आप मुझे सब इज्जत देंगे। ये कितने अफसोस का मकाम है कि सियालकोट वो शहर है और सियालकोट वो शहर ही है जो अपनी सड़कें भी बना लेते हैं, अपना एयरपोर्ट भी बना लेते हैं, अपनी एयरलाइन भी बना लेते हैं, दुनिया को दिखा लेते हैं कि हम बगैर उनकी मदद के कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और अच्छा कराते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन सियालकोट के ही साथी अपने प्रेस क्लब को बंद करवा रहे हैं, कितने नफरों का सौ, और आप जितने साफी यहां पर बैठे हो सकता है आपके बस में हो सकता है आपके बस में ना हो, लेकिन ये तो आपके बस में है ना कि एक दफा आप सारो मिलकर आप दोनों ग्रुप के पास जाए और आप कहें कि यार खत्म करो इस झगड़े, तुमने जो बुरा बोला कहना हमें कह लो यार झगड़ा खत्म करो अपना घर खुल पाए ताकि हम साफियों को कुछ तो इज्जत मिले। इस तरह आपके मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होगी, आपकी शहर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर आप अपना हड्डा बंद करा के बैठे कहेंगे पहले इन्होंने खुलवाया फिर साढ़े को रहेंगे। और जो कहते हैं कि सहाफी आजाद होनी चाहिए, सहाफत आजाद हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान मतलब नहीं हो सकती आजादी। सहाफत का मतलब ये नहीं है कि मैं इमरान खान को या शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज को या आसिफ जरदारी को किसी को मैं बुरा कह सकूं, तो कह सकते हैं किसी को भी बुरा कह लेते हैं, लेकिन असल सहाफत है कि आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के बरखिलाफ क्या रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या आप अपने अखबार में लिख सकते हैं कि कोको कोला मुजरे से है, क्या आपने कॉलम में आप ये लिख सकते हैं कि ये एक्वाफीना है ये मिनरल वाटर नहीं है ये ट्यूबवेल का पानी है, बंद हो जाएगा सारे इश्तेहार बंद हो जाएंगे। मैंने एक एड में इनकार किया था काम करने से मुझे मॉडल ले गए, एक एड मैंने इनकार किया था, तीन नौकरियां बदलनी पड़ी। तो आप कमर्शियल इंटरेस्ट से लड़ नहीं सकते, और आजादी सहाफत क्या होती है, असल आजादी सहाफत है कि हम अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से लड़े और उसका नुकसान किया मैं आपको बता कि जब आपके इश्तेहार मर गए नेशनल से आने जो मर्जी हो चाहे वो घी बनाने वाले हो चाहे चाय बनाने वाले हो चाहे कोला बनाने वाले हो जो भी हो या हाउसिंग सोसाइटियों से आनी या टेलीफोन कंपनियों से टेलीफोन कंपनियों से आनी है तो फिर कितने साल हो गए आप लोगों को साथ रखने मुझे बताए कि कितने अरसे से 14 अगस्त को किसी अखबार का सप्लीमेंट नहीं देखा, 23 मार्च को किसी का सप्लीमेंट नहीं देखा, 25 दिसंबर को कह दिया था सप्लीमेंट नहीं देखा, क्यों आपको इश्तेहार दे नहीं चल रहा 14 अगस्त के लिए या 23 मार्च के लिए। हाँ मदर्स डे मना ले उसमें माँ की ममता भी आ जाएगी, माँ का चॉकलेट भी आ जाएगा, उसका दूध भी आ जाएगा, हर चीज से इश्तेहार आ जाएगा उसमें। फादर्स डे मना ले वुमेन्स डे जिस चीज के साथ कोई इश्तेहार जुड़ सकता है वो डे मनाया जाता है, तो पाकिस्तान डे की फिर जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं सप्लीमेंट छापने के लिए। तो आप देखें कि ये कैसी हमारे खिलाफ एक जब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमने जब ये राव गैस 15 साल से मेरे प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं आपको बताएंगे, हमने जब भी कश्मीर के ऊपर प्रोग्राम किया जो फीड आप देखिए एंकर को पता चल जाता है मैंने क्या जाप मारी है, घंटे के अंदर उसको जो मैसेज आते हैं ना हम जानने वालों को उससे पता चल जाता है प्रोग्राम देखा गया कि नहीं देखा। जब भी हमने कश्मीर के ऊपर प्रोग्राम किया है आग लग गई है हमारे मैसेजेस की ईमेल्स की जो हर चीज के लोगों का बहुत अच्छा किया आपने जुर्म को हाईलाइट किया आपने ये किया, रेटिंग में जीरो प्रोग्राम। अच्छा देख सारी दुनिया रही है तो रेटिंग क्यों नहीं आ रही, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं जब मैं TRY पे था और मेरी रेटिंग नंबर 1 थी पाकिस्तान में कई साल से अनडिस्प्यूटेड
यानी वो करीब भी नहीं था। तो हमने रेटिंग कंपनी के ऊपर तहकीक की और तहकीक हमारी ये पता चली कि इनके जो मीटर्स हैं, ये मीटर्स का डेटा तो ज्यादा है सिंगापुर में, यहाँ पे तो बोल ही नहीं सकता। और वो कंपनी इनको बताएगी कि किसकी रेटिंग देनी है। अब एक बंदा जो है वो बीवी के साथ भी सो रहा है, वो अपनी साली के पीछे भी जा रहा है, वो साली की दोस्त के पीछे भी जा रहा है, उसकी रेटिंग एकदम से ऊपर आ जाएगी। और जो कश्मीर के ऊपर प्रोग्राम है या कुरान सुन्नत के ऊपर है, हालांकि वो लोग ज्यादा शौक से देखते हैं, उसकी रेटिंग वहां कहीं नीचे जा रही है। पर हमारे मालकाना में कहते हैं उसी किस पास लग गए, आगे मदद से पे कर लो, आज ये इस पे कर लो, इस पे कर लो, ये तीन बुला लो यार, अपना एक पीटीआई का, एक पीपीपी का, वो पीटीआई से उसको बुलाना, उधर से उसको बुलाना, ये लड़ेंगे तो रेटिंग आ जाएगी। वो रेटिंग नहीं आ रही होगी, वो रेटिंग दी जा रही होगी हमारे मुआशरे में तफरीक पैदा करने के लिए, हमारे दिमागों को कल्यूज करने के लिए। हम 23 करोड़ की एक मरी हुई कौम है जो आज तक अपना रेटिंग का सिस्टम नहीं बना सके। हमारा एक मीटर पाकिस्तानी नहीं है, वो बाहर का, तो कौन सी सहाफत और कौन सी आजादी। ये सारे घोषले हैं, इनसे जितनी जल्दी निकले उतना अच्छा। हकीकत यह है कि बगैर मरे तो जन्नत भी नहीं मिली, जन्नत में जाना तो पहले मरना पड़ेगा। तो सहाफत की अगर आपने उन मिराज को पहुंचना है तो आपको उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये आज आपकी तंजीम बनी, आपने प्रदाई की, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन खुशी मुझे उस दिन होगी जिसने इस मुल्क के सारे साथी एक हैं, जिस अखबार ने हमारे एक बंदे की तनख्वाह नहीं दी, कोई साथी तक काम नहीं करेगा। जिस दिन ये कहेंगे कि कोई काम नहीं करेगा, कोई कैमरामैन काम नहीं करेगा वहां पे, उस दिन आप लोगों को आपका हाथ मिलेगा। हमें प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी ने उसको कहा कि मेरी तनख्वाह नहीं आई तो मैं काम नहीं करूंगा, तो पीछे मेरे अपने 10 खड़े हैं, सर जी अब फायदा ही कोई नहीं, मुझे ना लाएगा आदमी, उसी पर नहीं क्यों रखे, मैं तन देना दो बंदे देना, तनख्वाह भी काट दोगे। हम लोग एक दूसरे का बेड़ा गर्क करने वाले। और अगर किसी को शक है इस बात पर तो प्रेस क्लब के ताले जो है ये उसको बताएंगे कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप लोग इतने काबिल होते तो अपने प्रेस क्लब को ताले लगवा कर बैठे होते, अगर आप लोगों ने इतने इंसाफ और हकूक दिलवाने होते तो आप हाईकोर्ट के धक्के खा रहे होते। अपने लिए पहले सोचे, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, जो अपना अच्छा नहीं कर सकता वो किसी और का अच्छा नहीं कर सकता। जो अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोच सकता वो किसी के लिए नहीं सोच सकता। उसके बाद अपने हमसायों का, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का, उसके बाद अपनी बिरादरी का, उसके बाद अपने आपके जो हल्का अहबाब है, चाहे काम करने वाले लोग हैं आपके उनका। अब ये थोड़ी है कि पहले आप दूसरों पर चले जाओ और अपने घर में सकाफ पे खर्च कर रहो, तो वो तो कोई अच्छी बात नहीं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने टूल्स बदलें। आपने देख लिया कि प्रिंट मीडिया तो खत्म हो गया, मैगजीन तो बिल्कुल खत्म हो गया, अखबार भी, और इसलिए नहीं खत्म हो रहा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये गलत फहमी है कि सोशल मीडिया आ गया ना, ये झूठ बोलते हैं, ये उसको मीडिया का नहीं होता। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, बीबीसी देखा जा रहा है, सीएनएन देखा जा रहा है, तो वहां पर तो सोशल मीडिया हमसे ज्यादा है, तो उनका टीवी और उनका अखबार क्यों दिख रहा है, उसको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा। इसलिए कि वो अपने साथी को भी पैसे देते हैं, अपने काम करने वाले को भी पैसे देते हैं, और काम के लिए वो तक वो लॉक करवाते हैं और बजट निकालते हैं। वो क्या है कि अगर बीबीसी पे फूड के ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि ये सोमालिया में बर्गर ऐसे बनता है और बर्गर में बीफ डाल के दिखा रहे हैं, चीज पनीर डाल के दिखा रहे हैं, तो वो वाला कंटेंट आपको दुनिया में किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पता है स्टोरी को लिखने के लिए उस राइटर को कम से कम 8 महीने लगाने पड़े होंगे, 10 महीने उसने लगाए होंगे,
उसने बदन कितनी बार इराक किया होगा, कितनी बार सीरिया किया होगा, यूएई किया होगा, और उसका खर्चा किया उसके उन्होंने, तब जाके वो एक 800 वर्ड्स का एक कॉलम निकला या 1000 वर्ड्स का। तो यहाँ पे किसी को आप कहें कि मैंने यूक्रेन और रशिया की वॉर कवर करनी है, मौत नहीं पड़ जाएगी सबको। सारे कहेंगे उसको छोड़े जरा जाए नैब की अदालत में क्या हो रहा है, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया, उनके लिए स्टोरी तो साफा तो खत्म हो गई आपकी। तो ये आप लोगों को अपनी स्किल सेट इंप्रूव करनी है, अपने टूल्स बदलने ताकि आप किसी के ऊपर मोहताज ना हो। आपका फोन सबसे बड़ा माइक है, आपका फोन सबसे बड़ा कैमरा है, आपके पास मीडियम्स हैं जो गोरे ने बना दिए। यूट्यूब तो सबको पता है, लेकिन यूट्यूब की तरह के 11 मीडियम, 11 हमें इस वक्त तो टिकटॉक से ज्यादा देखा जा रहा है यूट्यूब से पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे बेतहा मीडियम्स हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं, आप उठाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की कम्युनिटी बने। जब सारे चलेंगे तो हर एक चलेगा, वरना कोई भी नहीं चलेगा। मैं आप सबका मशहूर हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत अफजाई की, ना सिर्फ बुलाया बल्कि बयान भी किया। दुख मुझे इस बात का है कि हम लोग, वैसे तो हमें सारे सीनियर कहते हैं, लेकिन बुलाई का समझ आज तक नहीं पता चला इस मुल्क में जूनियर साफी कौन है, ये जूनियर एंकर कौन है, ये जूनियर तजिया कार कौन है, किसी के नाम से तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो पढ़े पढ़े तो ये टेबल भी सीनियर हो जाती है, ये आपसे पहले ही इस कमरे में पढ़िया था, इसका मतलब हम इसको सलामी करना शुरू हो जाए। मेरे दिल में सीनियर की इज्जत नहीं होती जब तक उसने काम करके वो इज्जत ना कमाई हो, सिर्फ उम्र में बड़े होने से इज्जत नहीं होती। और आजादी सहाफत की आपको एक मैं मिसाल दे दूं, मैं इधर आ रहा था तो मुझे पता चला मेरे एक और वारंट निकले, मैंने कहा इधर पहले आ जाते हैं बाद में अदालत पेशी कर ली। 55 केसेस मेरे ऊपर एक साथ जिनको मैं भुगत रहा हूं पिछले 9 साल से। तो मेरी कमीज, मेरी पैंट, मेरी गाड़ी या मेरी कोई चीज, इसके पीछे लोगों को वो नजर नहीं आता कि कितनी मैं मुश्किलों से मैं निकला हूं या निकल रहा हूं या अभी भी उसमें। 28 बारी नाकाबले जमानत वारंट मेरे निकल चुके हैं स्कूल पर, काबले जमानत तो पता नहीं अभी भी आज का दिन भी है। तो ये सियासतदान हमें बताएंगे इनको कितनी मुश्किल है, ये आइन सहाफत में 8000 का पावन को पता चले, अगर साफी के तौर पे इनको जिंदा रहना पड़े तो मौत आ जाएगी। 24 घंटे की नौकरी, खबर एक मिस हो जाए तो नौकरी फारिग है। वो खबर आएगी कैसे, उसके पास फोन है कि नहीं, उसके पास बैलेंस है कि नहीं, उसके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, मोटरसाइकिल पेट्रोल है कि नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं है, पर खबर नहीं मिस होनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं, मैं चलते चलते आपको बताऊं, यहां पे सही खबर हो ही नहीं सकती इस मुल्क में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई सच्ची खबर नहीं हो सकती। वजह आपने कमीज पहनी, आपने इसके पैसे दिए, आपने जूते पहने, आपने इसके पैसे दिए, आप ये होटल में तकरीब कर रहे हैं, आप इसके पैसे देंगे या कोई स्पॉन्सर देगा। खबर आपको मुफ्त ही चाहिए, खबर कहते इसके हमने पैसे नहीं देने, तो मुफ्त की तो खबर सही नहीं होगी। क्योंकि मुझे अगर किसी ने कहा कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए फर्ज करें और मैंने ये खबर चलानी है, तो कम से कम 10 फोन तो मुझे करने पड़ेंगे ना लोगों को, हर एक तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं कर सकता, व्हाट्सएप पे करने के लिए भी इंटरनेट पैकेज चाहिए। तो अगर मैंने हर रोज मेरे पास बाकी में 700 खबरें आती हैं, अगर हर खबर के लिए मैं 10 फोन करूं या कुछ उसको वेरीफाई करना शुरू हो जाऊं, तो मेरा तो 3 लाख रुपए का यही खर्च है महीने का। तो आपको सच्ची खबर देने के लिए मैं अपना खबाड़ा कर रहा हूं, कोई नहीं करेगा। जब तक इस मुल्क में सहाफी की और खबर की लोगों को हिस्स नहीं होगी कि नहीं हमें सही खबर चाहिए, क्योंकि आप आज अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में जाएं, वॉशिंगटन पोस्ट खोलें, आप आर्टिकल पढ़ना शुरू करें, 150 लफ्जों के बाद वो ब्लर हो जाएगा कि पैसे दोगे तो आगे बढ़ोगे।
वो फ्री में नहीं है। आप अपना चाहें आप स्काई न्यूज लगाएं, आप कोई और लगाएं, सीएनएन लगाएं, मार्को आपको कहकर सब्सक्रिप्शन के पैसे दो तब आके देख लो। यहां पे हर एक को फ्री चाहिए। जब फ्री खबर आएगी तो वो खबर खुद ब खुद मुआवजे पा जाएगी। और क्योंकि इसीलिए इस मुल्क में सबसे पहले जो विक्टिम है, जो कत्ल हो गए, वो सच है। सच सबसे पहला विक्टिम है हमारे मुल्क में, क्योंकि हमने सच के लिए पे नहीं करा। हमें कॉन्सेप्ट पर इंटरेस्ट है, सुनी सुनी बात पे इंटरेस्ट है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारा ख्याल भी करे और मेरी किसी बात का बुरा नहीं बना। हर दफा करके मुझे कोई ना कोई माफी मांगनी पड़ती, मैं पेश ही माफी मांग रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आप सारे। थैंक यू।